कॉफी के पैसे देते जाओ, मैं सोचता हूँ। हाँ ये 10 का ही ठीक है। मगर 10 रुपए कॉफी के लिए? बहुत दूर से लाएगा, यहाँ तक आते आते ठंडी हो जाएगी। कोल्ड कॉफी के ज्यादा चार्जेस होते हैं, तुम्हें तो पता है। ये सीन पाकिस्तान की फिल्म अंबर का है, जो आज से लगभग 45 साल पहले रिलीज हुई थी। इस सीन से पता चलता है कि उस दौर में कॉफ़ी की कीमत 2 या 3 रुपए थी। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं कैसे आदमी से जो हमें चाय और कॉफ़ी के रेट्स बताता भी है और पुराने वक्तों में भी ले जाता है। अस्सलाम वालेकुम गुलाम रसूल भाई, कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का करम सर, आप? अभी मैं एक साहब से मिल के आया, मैंने कहा तुमने सबसे सस्ती चाय कितने की देखी, तो वो कहते 6 रुपए। तो मैंने उससे पूछा तुम्हारी उम्र कितनी है, तो वो मुझसे भी 2 साल छोटे निकले। तो अब ये बताइए कि आपको प्रॉब्लम तो नहीं है कोई एज बताने में? नहीं, नहीं। तो आप और आपने चाय जो है ये जो देख रहे हैं जब से बेची जा रही है उसके बारे में बताइए। आज ये जब जंग की गली में आया था, हाँ, सवा रुपए की स्पेशल चाय होती थी जिसकी चीनी पत्ती दूध अलग होता। तो आपकी वैसे उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 55 साल। तो यानी कि आप बता रहे हैं 90s की बात बता रहे हैं? ये 96 की बात, 96 में 1.5 रुपए की, 1.5 रुपए की स्पेशल चाय मिलती थी जिसका दूध चीनी अलग होता था, कावा बना हुआ होता था। अच्छा। चैनक के अंदर मिलती थी, एक चैनक भर के मिलती थी, 3 लोग आराम से पी लेते थे। अच्छा, 1.25 रुपए क्या होता है? हमारे बहुत से नाज़रीन को 1.25 रुपए पता नहीं होगा, क्योंकि और उनको ये भी नहीं पता कि 1.25 रुपए जो है वो होते कैसे होंगे। अब वो हिसाब लगा लेते हैं ना, रुपए में कितने 1.25 रुपए कैसे बनेगा। हाँ, गरीब बात है, वो 1.25 रुपए ऐसे बनेगा, 75 पैसे की 70 पैसे इस तरह करके 1.25 रुपए बनता था। 1 रुपए का उस जमाने में नोट भी होता था, 1 रुपए का नोट भी होता था। और दूसरी बात है, उस जमाने में तो 40 पैसे आटे बस का किराया था। बिल्कुल। और 1.25 रुपए की चाय थी, 75 पैसे की भी चाय थी दूध वाली। और नान उस जमाने में मेरा ख्याल है 1 रुपए की 2 मिल जाती थी, 1 रुपए के 2, 1 रुपए के 3 भी कोई दे देता था। 1 रुपए की 3 यानी आज अगर आप हिसाब लगाएं तो 100 रुपए की 3 आती है। अब 100 रुपए की 100 गुना इजाफा हुआ है जी। तो चाय आप बता रहे हो कि आपने 75 पैसे की नॉर्मल चाय और स्पेशल चाय जो है वो 1.25 रुपए की, स्पेशल चाय 1.25 रुपए की। अब आप दे रहे हो 70-75 रुपए की तो चाय होगी आराम से। आराम से क्यों, मतलब पहले इतनी कम क्यों थी, इतनी कीमतें बढ़ी हैं? ये महंगाई तो हम लोगों ने खुद ही की हुई है जबरदस्ती। दूध वाले का दिल कर रहा तो दूध वाले बढ़ा रहा है, परचून वाले का दिल कर रहा तो परचून वाले पैसे बढ़ा रहा है। कोई किसी को पूछ ही नहीं रहा, गीच ही नहीं रहा, जिसका दिल करता है वो अपना सिक्का चला रहा। और सबसे पहली जो आपने चाय खुद कभी पी होगी बचपन में काम करने से पहले, वो कितने की थी? असल में मैं आया चाय के काम पे था, मैंने खरीद के कभी चाय पी नहीं। अरे वाह, क्या बात है, जबरदस्त। यही जंग की गली में? यही जंग की गली में, उस समय अखबार भी यही छपता था, सब काम यही होते थे। ये मीडिया का तो नामो निशान नहीं होता था। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं आया था, जियो नहीं खुला था, जियो नहीं खुला था, हम टीवी भी सामने है वो भी नहीं था, ये सब छोटे छोटे अखबार। तो आपको इसीलिए छोटू कहते हैं कि जब आप आए थे? हाँ, मैं छोटा सा आया था इस गली में। वाह। उसके बाद अपना भैंसों का बाड़ा भी था, उस पे हमने दूध भी बेचा, 12 रुपए किलो, 6 रुपए किलो दूध बेचा, 8 रुपए किलो दूध बेचा। 6 रुपए किलो आता था? 6 रुपए का किलो। अब कितने का है दूध? अब तो दूध माशाल्लाह 200 रुपए किलो है। टॉफियां जो लेते हैं? टॉफियां तो फ्री में मिलती थी, किसी दुकान तक कोई सौदा लेने जाओ तो एक आधी दुकानदार टॉफी पकड़ा देता था। अब तो टॉफी भी 5-6 रुपए से कम की नहीं। ओए होए होए होए, तो ऐसा तो नहीं है कि थोड़े अरसे के बाद हम लोग जो है 500-500 रुपए की चाय पी रहे होंगे? हमारे पास बचेगा कुछ नहीं, हम रहेंगे ही नहीं तो 500-500 की चाय कहाँ से पियेंगे, ऐसे हालात हो जाएंगे, एक दूसरे को काट काट के खा जाएंगे। महंगाई तो खैर बहुत हो रही है, महंगाई तो बहुत हो रही है, कमर टूट गई है लोगों की, लोगों का हाल तो सफेद पोश आदमी सिर्फ रो सकता है, कुछ किसी को कह नहीं सकता। तो पाकिस्तान के अंदर आज तक मैंने जब से होश संभाली है, जिस चीज पर रेट बढ़े हैं वो कम नहीं हुए, अगर हुए तो वो टेम्परेली हुए, फिर उससे ज्यादा हो। ओए होए,
अच्छा, बात तो आपकी बिल्कुल सही है और ये लम्हा फिक्री है कि प्राइसेस जो है वो उस स्पीड से बढ़ रही हैं जिस स्पीड से नहीं बढ़नी चाहिए। पैसे उस स्पीड से लोगों के नहीं आगे जा रहे हैं। लोग अल्लाह ना करे लोग गलत तरीक़ों में पड़े और अल्लाह हमें हलाल रोजी कमाने और इसके हलाल कमाने की इसके हलाल कमाने की बिल्कुल तौफीक अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क को भी बेहतर कर दे और सियासतदानों को भी थोड़ी अकल दे दे, कम से कम कोई बेहतरी की तरफ आ जाए या लूटा मारी की तरफ।